सयाहपुर में सांसद अरुण कुमार सागर रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान सख्त तेवर में नजर आए। निर्माण कार्यों में खामियां मिलने और अव्यवस्था मिलने पर सांसद ने कर्मचारियों को जमकर फटकारा, साथ ही घटिया सामग्री पर जांच के आदेश भी दिए हैं। इस दौरान मुरादाबाद मंडल के DRM भी मौजूद रहे। भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर, जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन DPS राठौर सहित तमाम जनप्रतिनिधि भी रेलवे स्टेशन पर उनके साथ मौजूद थे। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके निरीक्षण के दौरान मुरादाबाद मंडल के DRM भी पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद उन्होंने स्टेशन के बाहर बनाए जा रहे नाले के निर्माण का भी जायजा लिया। यहां पुरानी ईंट और घटिया सामग्री देकर सांसद के तेवर सख्त हो गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकारा। सांसद ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं DRM मुरादाबाद का कहना है कि टनकपुर से सयाहपुर को चलने वाली पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेन बहुत जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। रेलवे वाले माने बनाते हैं, खुद अपने सामने आके बनवाते हैं, खुद अपने ये ऐसा बनवाते हैं। रेलवे रेलवे की गलती है, रेलवे बता रहे, रेलवे वाले सामने खड़े नजर आता है। यहाँ पे असल में यहाँ पर मैंने स्वयं सांसद बनने के बाद तो हमारे निवर्तमान मंत्री जी थे आदरणीय पीयूष गोयल जी से मैंने 1 किलोमीटर रोड का जो 3 नंबर प्लेटफार्म है तेल टंकी से वहाँ तक मैंने स्वीकृत दिलाने का कार्य किया था। उस पर मेरी जानकारी में आया DRM साहब हैं कि यहाँ पर ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्रियों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और माननीय मंत्री जी अभी दिल्ली में मिला था। उन्होंने निर्देशित किया था, DRM साहब आज आए हुए, इन्हें भी दिखाया है, आपकी नॉलेज में होगा, उस पर जो है उसके खिलाफ मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो। रेलवे का जो पुराना स्टेशन था जिसमें 2 प्लेटफॉर्म थे उनका सारा निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है जिसकी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से भी स्वीकृति ली जा चुकी है और पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से वो ट्रेन आनी है। अभी इसमें स्थिति पहले ये थी कि वो स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के हाथ में था और बाकी का हमारा स्टेशन उत्तर रेलवे के पास था, तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद ये पूरा स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे वाला पोर्शन और ये सब उत्तर रेलवे के अधीन आ गया है और वहाँ उस स्टेशन के आगे जो शहबाज नगर स्टेशन है वहाँ और उस शहबाज नगर स्टेशन और उसके आगे का पोर्शन मतलब हमारे स्टेशन से निकलते के साथ वो पूर्वोत्तर रेलवे की सीमा पर होती है। तो अब ये लोग पीलीभीत से या आगे किसी स्टेशन से ये लोग ट्रेन चलाने की जब प्लान करेंगे और ट्रेन हमारे पास लेकर आएंगे। फिलहाल हम मालगाड़ियों का संचालन बीच बीच में उस रास्ते से भी होता रहता है और पैसेंजर ट्रेन चलाने की जो परमिशन है वो पूर्वोत्तर रेलवे की अभी तक विचाराधीन है रेलवे बोर्ड में, जैसे ही वो आती है हम लोग यहाँ से चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सांसद महोदय के शिकायत पर आप निरीक्षण करने पहुँचे तो क्या कुछ पाया गया है और कितने सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं? सांसद महोदय इस कार्य की बार बार रिव्यू हमेशा लगातार करते रहे हैं और हम सांसद महोदय के मार्गदर्शन में हमेशा ये इस जगह का बार बार निरीक्षण भी करते रहे हैं। यह ठेका करीब करीब अक्टूबर के अंत में दिया गया था, LOA वगैरह नवंबर प्रथम सप्ताह में दिया गया था, उसके बाद इसमें कुछ क्वालिटी की इश्यूज आई थी, जनवरी में रिजेक्शंस इसके ईंटों और आदि के हुए थे, सांसद साहब को भी हम लोगों ने बताया था, लेकिन काम बड़ा धीमा चल रहा था और अभी फिर सांसद जी को ये संज्ञान में आया कि कुछ पुरानी ईंटें इस्तेमाल हुई, आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है, जो क्वालिटी की इशू जो हैं उनको हम लोग उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और आगे इस बात की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से इस काम को यथाशीघ्र समाप्त कराया जाए और उसके लिए जो भी कार्य करना होगा वो हम लोग करेंगे। सांसद महोदय